ये एरिया है प्रॉब्लमेटिक। आलू के बिना पड़ गया। इस तरह से ड्रेन साथ साथ बन जाएगा। सरपंच साहब आज जिथे आगन लगी जाना ये के स्कूल है कोई ये इन्हें अभी ऊपर है मारो ऊपर है तुम कहां रोड पे ये केड़े में बात पर लगे केड़े में ये बोला ये केड़े में कर रहा है कोई नहीं रोकेगा आपको मतलब कोई नहीं रोकेगा आपको हम इंसान द क्लेम ही है हां जी हो इधर तो बोल जा कुर्बानी की वजह अगे रोड गया सर। इस आज यहाँ पर आज तहसीलदार साहब जो आए थे इस रोड में, ये इस रोड का क्या इशू था? ये जो रोड आ यहाँ से झंडिया और सरथली से या टप्पर के लिए जा रहा है सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ और साथ में आज हमारे तहसीलदार साहब और हमारे नए नए एडब्ल्यू साहब आए थे यहाँ पर, और इन्होंने मेरी इनसे पहले ही बात हुई जब इन्होंने चार्ज लिया तो मैंने इनसे पहले कहा कि हमारा रोड जो है ये 5-6 साल का बंद है तो इसमें बहुत सी प्रॉब्लमें आ रही हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे चार्ज लेना, तो उसके चार्ज लेने के बाद इन्होंने एक हफ्ते में यहाँ पर काम जो है शुरू कर दिया। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी, कुछ लोगों की फसल थी और कुछ घास की प्रॉब्लम आ रही थी, तो लोगों ने सब बैठ के यहाँ पर फैसला किया कि रोड मशीन निकालो ताकि हमारा रोड जो बंद होना चाहिए उसमें अगर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इस हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन साथ में है, हमारे डब्ल्यू साहब हैं और पूरा डिपार्टमेंट ये साथ में है, और इसमें अगर प्रॉब्लम आएगी तो इसमें पब्लिक भी जो है इशू ले रही है, पब्लिक भी बोल रही है कि साथ में मिलकर सारा इस रोड को निकालेंगे। सरपंच साहब, इसमें अगर ये पब्लिक साथ दे रही है रोड बनाने के लिए तो पब्लिक का ये भी कहना है कि कुछ लोगों को मुआवजा मिला है तो उन मकान को क्यों नहीं कोलैप्स किया जा रहा है? वो आज डिटेल से बात हुई हमारी, जहाँ पर जब ये जहाँ क्लेम मिला है वहाँ पर मशीन पहुँचेगी, उसलिए एडमिशन बैठी हुई है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर कानून बैठा हुआ है, उसमें जो आगे आगे जाएंगे जब रोड की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो उसका जितना भी जो जिन लोगों को क्लेम मिला है उन मकान जिनके मकान को क्लेम मिल चुका है उन मकान को डिसमेंटल करवाएंगे। नहीं, कुछ लोगों को तो मिला भी नहीं है। मिल गया कुछ लोगों को, कुछ को जिन लोगों को नहीं मिला उनकी फाइलें गई हुई हैं, जिनको क्लेम मिल चुका है उनके मकान के स्ट्रक्चर जो है उनको तहसीलदार साहब ने डायरेक्शन दिया है एडमिन साहब को कि इनके मकान को बोल दो कि मकान अपना जो भी जितना मटीरियल है उठा लो उसको, अगर वो हफ्ते 10 में उठा लेते हैं ठीक है, नहीं तो मशीन लगेगी गिर जाएगा और क्या करना। और जहाँ पे लोगों के घर को नुकसान हुआ है वहाँ पे ब्रेस्ट वाल टर्निंग वाल और जहाँ पे लोगों के खेत का नुकसान हुआ है उनके बारे में क्या कहा डिपार्टमेंट ने? डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जो जिनकी पीछे से स्लाइडिंग जो गई है यहाँ पर जो ब्रेस्ट वाल है ड्रेन्स है ये सारे साथ साथ में लगानी है। यहाँ पर ठेकेदार से डिटेल से बात हुई है कि काम शुरू करना है, इसमें ये नहीं कटिंग करनी है, रफ कटिंग करनी है, इसमें पूरी फेयर कटिंग करेंगे, इसमें मेटल वगैरह सब कुछ डलाएंगे और आने वाले हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद पिछला 3 किलोमीटर में ब्लैट आगे होने जा रहा है। हमारी कोशिश है कि ये भी अगर रोड लोगों का अगर साथ रहा तो ये 2-3 महीने के बाद इस रोड को पूरा कम्प्लीट करके छोड़ेंगे। शुक्रिया सरपंच साहब। तो इसके साथ ही हमारे पंचायत गत्ती के सोशल एक्टिविस्ट लियाकत अली खान जी हैं, हम उनसे भी उनके बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहते हैं। रोड के बारे में सर, रोड के बारे में तफसील से बता दिया सरपंच साहब ने, और काम स्टार्ट हुआ है आज, और नए नए जो हमारे ऑफिसर आए हुए हैं यहाँ पे हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो पेन ले रहे हैं और काम लोग भी इसमें आ रहे हैं, लोगों की फसलें जो ज़ाया हो रही हैं उसका भी वो मिल के उसका फैसला करेंगे, और इस रोड को चलते हुए बहुत अरसा हो गया, ये अब ये पता नहीं हमारी खुश किस्मती है कि ये नए एडब्ल्यू साहब आए हैं तो उन्होंने सरपंच साहब ने वहाँ जाके इनसे अर्ज़ की तो इन्होंने कबूल कर ली, और तहसीलदार साहब भी आए थे वो अभी बैठे हैं यहाँ पे। तो ये मामला जो है ये डेवलपमेंट का मामला है, इस मामले में सभी लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, जब तक सभी लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे लोगों की ज़मीन तो जाएगी। अब देखो ये हमारे इनका ऊपर तक ये स्लाइडिंग हो गई है लेकिन फिर भी ये काम करने के लिए राजी हैं, और जो मिट्टी आएगी अब रोड तो हवा में बनेगा नहीं,
रोड तो बनेगा ज़मीन के ऊपर। अब ज़मीन तो ज़ाया होगी, इसलिए हम लोगों से ये अपील करते हैं कि जहाँ जहाँ उनकी जगह आती है प्लीज़ उस वो जगह जो है उनको दें, रोड वालों को दें, ताकि हमारे इलाके की तरक्की हो सके।